शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने धर्मपत्नी के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया तथा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ के समाधि पर माथा टेका और विजिटर बुक में अपना संदेश अंकित किया। उसके बाद गीता प्रेस के लिए रवाना हुए तथा गीता प्रेस पहुंचकर भ्रमण किया। गीता प्रेस की पहली छपाई की मशीन को भी देखा तथा वहां के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल ने अंगवस्त्र देकर उनको सम्मानित किया और गीता प्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मराठी भाषा की गीता साधक संजीवनी की प्रति भेंट की गई, जिसके संबंध में गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने गीता प्रेस का भ्रमण कर गीता प्रेस की पुस्तकों को पढ़ा देखा। गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर जो सबकी धरोहर है और जो चित्र पुस्तकों पर छपते हैं उसकी ओरिजिनल पंक्तियां वहां पर सजा के रखी हुई है। उन्होंने उसको रुचिपूर्वक देखा तथा गीता प्रेस की मशीन जो प्रिंटिंग में मुख्य रूप से सहयोग करती है उसका उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद सभा कक्ष में विजिटर बुक पर अपना संदेश को लिख कर उस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस में जो भी आता है उसकी भरपूर सद्भावना पीढ़ियों से गीता प्रेस पर रहती है, तभी वह गीता प्रेस आता है। इस अवसर पर गीता प्रेस के ट्रस्टी ईश्वर प्रसाद, बैजनाथ अग्रवाल, आशुतोष उपाध्याय, नरेंद्र कुमार, हरि प्रसाद अग्रवाल, राजेश शर्मा, संतोष कुमार, संजय दुबे, रुपेश दुबे, निकुंज अग्रवाल, कौशल किशोर मणि त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने कहा, Yeah.
सौभाग्य समझता हूँ, उनके शताब्दी वर्ष के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवीदयाल अग्रवाल, ट्रस्टी गीता प्रेस। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आज गीता प्रेस भ्रमण पर थे। उन्होंने पूर्व में अपने घरों में गीता और गीता प्रेस की पुस्तकें देखी हैं, पढ़ी हैं। उनका स्वाभाविक रूप से गीता प्रेस के प्रति आकर्षण था, इसलिए गीता प्रेस प्रवास के गोरखपुर प्रवास के दौरान उन्होंने गीता प्रेस को समय दिया एवं गीता प्रेस का लीला चित्र मंदिर, जिसमें हमारी अमूल्य धरोहर है, जो चित्र हम पुस्तकों पर छापते हैं उनकी ओरिजिनल प्रति वहाँ पर सजा कर रखी हुई है, उसको उन्होंने बहुत रुचिपूर्वक देखा। एवं इसके बाद गीता प्रेस की मशीनें जो प्रिंटिंग में मुख्य रूप से सहयोग करती हैं, उसका उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद सभा कक्ष में आकर विजिटर्स बुक पर अपने हस्ताक्षर किए एवं गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष जो कल 14 मई से शुरू हो रहा है उसके प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त की। कुछ कहा भी उन्होंने यहाँ के बारे में, गीता प्रेस में जो भी आता है उसकी भरपूर सद्भावना पीढ़ियों से गीता प्रेस के प्रति रहती है, तब वो गीता प्रेस आता है। और आकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत रोमांचित अनुभव कर रहा हूँ अपने आप को गीता प्रेस में पाकर, और हम लोगों को भी इस तरह के लोगों के आने से एक उत्साह वर्धन होता है एवं काम को और विशेष रूप से करने की रुचि डेवलप होती है।